अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म को लेकर जरा सा थिएटर्स में भीड़ क्या दिखाई पड़ी, बॉलीवुड वालों का घमंड फिर से सातवें आसमान पर पहुंच गया। जितने भी पेड क्रिटिक्स हैं, पेड मीडिया वाले हैं, ये सब इस वक्त सातवें आसमान की सैर कर रहे हैं। इसी में एक पेड फिल्म क्रिटिक है, कोमल नाहता। ये भाई साहब का ऐसा कहना है कि सूर्यवंशी के चलते सुशांत सिंह राजपूत का सपोर्ट करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा झड़ा गया है। मतलब इसके हिसाब से भाई, जो बॉलीवुड समाप्त हो चुका था, वो सूर्यवंशी रिलीज होते ही फिर से जिंदा हो गया। कोमल नाहता का ये कहना है कि जो लोग बोल रहे थे कि सुशांत के मरने के बाद बॉलीवुड ही कसूरवार है, बॉलीवुड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वो फिर से लौट कर नहीं आएगा, ओटीटी के सामने नहीं टिक पाएगा, ये उन सभी सुशांत फैंस के ऊपर, सुशांत का सपोर्ट करने वाले के मुंह पर करारा तमाचा है। तो इसी पर लोगों ने कहा है कि ये करारा तमाचा सुशांत फैंस के ऊपर नहीं है, ना ही सुशांत को सपोर्ट करने वालों पर है, और ना ही इस तरह की बात करने वालों पर है। ये तमाचा तुमने खुद के मुंह पर मारा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि असलियत क्या है। तुमने पैसे लेकर ये ट्वीट किया है। कोई लिखता है कि तुम पैसे लेकर एक मृत हो चुके इंसान सुशांत सिंह राजपूत का सहारा ले रहे हो कि बॉलीवुड को जिंदा रखा जाए, वो भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर। ये इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। फिर किसी ने लिखा कि ये तमाचा वमाचा कुछ भी नहीं है, ये तुम जैसे जूता चाटने वालों के मुंह पर उल्टा तमाचा पड़ा है। सिनेमा घर अभी भी खाली है। बॉलीवुड फिल्म क्रिटिक्स, पेड क्रिटिक्स, ये लोग जोड़ तोड़ करके मीडिया में बस यही खबर दिखा रहे हैं कि फिल्म बहुत अच्छा काम कर रही है, सिनेमा घरों में भीड़ है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे शहरों से लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन के भी और ऑफलाइन के भी, दिखा रहे हैं कि थिएटर्स में भीड़ नहीं है, लेकिन फिल्म क्रिटिक जबरन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा घरों में बहुत ज्यादा भीड़ है, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बनाया जा सके सूर्यवंशी को लेकर और आने वाली बॉलीवुड फिल्मों को लेकर। किसी ने लिखा कि इस तरह के ट्वीट करने की जरूरत ही क्या है, मैं बचपन से बॉलीवुड की फिल्में देख रही थी, लेकिन आपकी ये जो बातें हैं, ये दिखा रही है कि आपके भीतर और बॉलीवुड के भीतर कितनी असुरक्षित भावना महसूस की जा रही है। आपको लग रहा है, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के चलते बहुत कुछ बदलाव आया है। फिर किसी ने सिनेमाघर की तस्वीर ही शेयर कर दी, जहां पर सिनेमाघर खाली नजर आ रहे हैं। बोले कि ये अभी की तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें नहीं है। इस वक्त यही हाल सिनेमाघरों में चल रहा है, जिसे तुम लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो। अब सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों से सिनेमाघर के खाली तस्वीरें आ रही है, वहां पर सिनेमाघर खाली है, 50% क्षमता के साथ थिएटर्स खोले गए हैं, उसके बाद भी अगर 3 दिन में 75 करोड़ की कमाई का आंकड़ा दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं झूठी खबर है, इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है।